हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है अपने चैनल में। आज मैं ऐसी 10 परमानेंट फ्लावर प्लांट के बारे में बताने जा रही हूँ, जो आप भी ऐड करके अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं। एक टिकोमा, सेकेंड है रोज प्लांट, थर्ड नंबर पे है एक्जोरा, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और चौथा नंबर पे है हिबिस्कस, हाइब्रिड हो या देसी हो, बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है। जब हम सुबह अपने गार्डन में एंट्री करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत फूला रहता है। देसी का तो बाहर ही ऐसी है कि खिलता रहता है, इसका डाली भी ना बहुत बड़ा बड़ा होता रहता है। पांचवा नंबर कनेर है, ये कनेर भी ना कई कलर में आते हैं, इसको भी कटिंग से या सीड से आप ना लगा सकते हैं तो गार्डन खूबसूरत दिखता है। मेरीगोल्ड का तो फूलों का ना राजा है, ये कटिंग से या सीड से ग्रो होता रहता है। ये गुलदाउदी भी ना बहुत ही फ्लावरिंग करता है, ये विंटर सीजन का भी ना अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है। एक बार अपने गार्डन में ऐड कर लो तो कटिंग से इसका ना लगाया जा सकता है। इसका एक बार ऐड कर लेने से ना ये कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती। ये कसमस भी एक बार लगा लो, इसका सीड से ग्रो होता रहता है, सीड कलेक्ट करके रख लो। ये गुमफ्रेना भी ना बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करता है, और इसका भी ना सीड से ग्रो किया जा सकता है। एक बार ऐड कर लो तो सीड करें, फिर आप ना इसको को कर सकते हैं और खूबसूरत लगता है गार्डन। ये विनका का भी है, विनका भी ना कहीं एक बार लगा लो तो अपने से उगता रहता है। और इधर भी बालसम फ्लावरिंग प्लांट है, ये मानसून का फ्लावरिंग प्लांट है। एक बार गार्डन में ऐड कर लो तो इसका सीड ना कलेक्ट करते रहो और ये होता रहता है। इसको ना सीड से ना आसानी से फिर मई जून में वो ग्रो कर लो तो मानसून बहुत ही फ्लावरिंग होता है। थैंक यू फ्रेंड्स। मेरा चैनल को न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक कमेंट करके बताइएगा कैसे वीडियो लग रहा है। ओके फ्रेंड, बाय बाय, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।